बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एक्सपेरिमेंट हमारा है वो है अबाउट द यूरिनरी कैथेटराइजेशन। कैथेटराइजेशन के लिए हमारे पास जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स है वो है पेशेंट, पायोडीन यानी एंटीसेप्टिक, ज़ाइलोकेन जेली, डिस्टिल्ड वाटर, डिस्पोजेबल सिरिंज, कॉटन, फुलिस कैथेटर, पेशेंट एंड यूरिन बैग। फर्स्ट ऑल कैथेटर के टाइप्स। कैथेटर के थ्री टाइप्स हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कैथेटर के साइज डिफरेंट साइज के होते हैं, 14 सेंटीमीटर, 16, 18, ये भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स जो है इसके येलो टिप का, ब्लू का, रेड का, डिफरेंट टाइप के आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स है इसके। पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी यानी फोलिस कैथेटर। दिस इज द फोलिस कैथेटर टाइप, सॉरी पार्ट्स ऑफ द फोलिस कैथेटर। दिस इज द बलून पार्ट्स, दिस इज द यूरिन ड्रेनर पार्ट्स, this is the bladder opening part and this is the balloon part, this is the balloon part, this is the urine drainer part, this is the bladder opening part and this is the balloon part. Procedure kya hote hai? First all antiseptic 70% alcohol ya pyodine jo bhi, उसको आपने अप्लाई करना है पेनिस के हेड पर लाइक दिस। जो एरिया है वो आपने क्लीन करना है हेल्प ऑफ 70% अल्कोहल स्वाब, यानी जो भी एंटीसेप्टिक आप यूज करते हैं, पायोडीन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो भी है, आपने इसको क्लीन करना है। उसके बाद आपने ज़ाइलोकेन 2% जो जेली है, ज़ाइलोकेन जेली, लोगनोकेन जेली जो लोकल एनेस्थेटिक होता है, उसको आपने यूरेथ्रा के ओपनिंग एरिया जो होता है ओपनिंग एरिया में आपने एंटीसेप्टिक जो है ज़ाइलोकेन जेली वो आपने इसमें डाला है और साथ साथ फोलिस कैथेटर के जो ब्लेडर पार्ट है उस पे भी आपने ज़ाइलोकेन लोगनोकेन जो लोकल एनेस्थेटिक है वो आपने अप्लाई करना है। फ्यू मिनट तक वेट करना है, 2, 3, 4, 5 मिनट तक वेट करना है और उसके बाद यूरेथ्रा का ओपनिंग एरिया जो है उसमें आपने फोलिस कैथेटर को इंटर करना है। इंटर कर दिया उसके बाद आपने 10 to 15 ml डिस्टिल्ड वाटर, डिस्पोजेबल सिरिंज, नीडल को टाइट कर दें, टेन टू फिफ्टीन एम एल डिस्टिल्ड वाटर बलून पॉट्स में आपने डालना है।
पदों तक आप लोगों को नजर आए। बलून पॉट्स में हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला है और यहां यूरिनरी ब्लैडर में बलून जो है वो बनेगा, नजर आ रहे हैं। इसको हमने वाटर देना है 10 to 15 ml। बलून देख रहे हैं स्टूडेंट, यूरिनरी ड्रेनर में हमने यूरिन बैग का जो पॉट से वो ही इंटर करना है। अब ये बाहर नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स। अब इसको रिमूव करने का प्रोसीजर भी बता दो स्टूडेंट्स। रिमूव करने का सिंपल ही प्रोसीजर है स्टूडेंट्स कि बलून पॉट जो है उसमें आपने दोबारा सिरिंज इंटर करना है नीडल और फ्लेंजर को फुल करना है तो वाटर बाहर आएगा। बलून देख ले स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे चला जाएगा। वाटर को हमने रिमूव कर दिया, अभी फोलिस कैथेटर जो है उसको भी साथ साथ खींच लें। स्लोली ये बाहर निकल आ जाएगा स्टूडेंट। रिपीट कर दूं, फर्स्ट ऑल रिक्वायरमेंट्स है पायोडीन एंटीसेप्टिक, डिस्टिल वाटर, जाइलोकेन लोगनेकेन जेली, लोकल एनेस्थेटिक है पेशेंट और फोलिस कैथेटर, डिस्पोजेबल सिरिंज। प्रोसीजर क्या होगा रिपीट करता हूं स्टूडेंट, फर्स्ट आलम पीनस के ओपनिंग एरिया में हमने डालना है जाइलोकेन लोगनेकेन एनेस्थेटिक, इस पे भी हमने लगाना है लोगनेकेन। पीनस को पकड़ के यूरेथ्रा का ओपनिंग एरिया जो है उसमें हमने इंटर करना है फोलिस कैथेटर को स्लोली। हो गया, अब लेते हैं डिस्टिल्ड वाटर सिरिंज में बलून का एरिया में हमने देना है वाटर डिस्टिल्ड वाटर। क्यों हम देते हैं, ताकि बलून जो है वो बनने और ब्लेडर से ये बाहर ना निकले। बलून को देख ले स्टूडेंट्स, वाटर हमने देना है 10 to 15 ml, बस हो गया फ्रेंड्स, ये पास हो गया फोलिस कैथेटर। यही प्रोसीजर फीमेल में भी पास कर सकते हैं प्रोसीजर से और मेल में भी। अब ये बाहर नहीं निकले, अब इसको रिमूव कैसे करते हैं, एक सिरिंज ले लें, बलून पॉट्स में नीडल को इंटर कर दें और जो वाटर है उसको आपने निकालना है। वो बलून देख ले स्टूडेंट्स, खुद बे खुद खत्म हो रही। और इसको आपने रिमूव करना है स्लोली। यही प्रोसीजर है फोलिस कैथेटर को पास करने का, यानी यूरिनरी कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर है स्टूडेंट। वीडियो पसंद हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज़।